अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ आज से हमने एक 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया। मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं पूरी मैथ की बुक अपलोड कर दूँ। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह से सॉल्व होता है। यानी हम पार्श्व प्रश्न में कर लेंगे। 7x-9 x-3 उसी तरह लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ए एन x+1 सही प्लस बी x-3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x+1 और x-3, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। x+1 और x-3 ये कैंसिल हो गए, तो 7x-9 रह गया। ए को x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को x+1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ए x-3 फिर प्लस लगाया, फिर बी x+1 7x-9 ए को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ax, फिर ए को 3 के साथ -3 है, फिर b को x के साथ bx हो गए, फिर प्लस हो गए, फिर b1 b। 7x-9 उसी तरह लिख देंगे, x के साथ x का वैल्यू, यानी ये एक साथ कर देंगे ax bx, तो ax फिर प्लस लगाए, फिर bx लगा दिए, फिर -3 कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे, -3a+b। 7x-9 उसी तरह, इन दोनों में से x कॉमन है, इनको बाहर निकाल देंगे। a+b = x, -3 है प्लस बी, ये a+b है नहीं, यहाँ पहला है तो यहाँ पहला रकम की इक्वल कर देंगे, तो a+b = 7, फिर -3a+b = -9। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन 2। ये कोएफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए हम जो इक्वेशन 1 है उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इक्वेशन 2 का यानी पहली रकम की बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई थ्री का मतलब यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 है, फिर +3b हो गया, फिर 3 7 21। अब ये इक्वेशन 1 उसी तरह लिखो, -3a+b = -9। ये लाइन -3a+3 से कैंसिल हो गए, 3b+b यानी 4b हो गए, 21 में से 9 माइनस कर दो, 12 रह गए, तो b ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो 12 / 4 यानी b 4 1 4 2 4 3 12, तो b = 3। अभी ये b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में भी फुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी फुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में कर लेंगे और एक वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे लाइन putting b in equation 1, a+b = 7, b3 का इक्वल है 3 लगा दे, = 7, a+3 उसे जाएगा, -3 हो गए, तो a = 4। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स हम वापस यही लिख देंगे, 7x-9 x+1 x+3, a को हम a का 4 है, 4x+1 यानी यहाँ पे डियर स्टूडेंट a की जगह 4 लगा दिया और x+1, फिर b किसके इक्वल है, b3 का इक्वल है, हाँ x+3 ये आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा।
तो अभी आप प्रेस कर ले, यानी इंशाल्लाह अभी हम जल्द से जल्द अगला क्वेश्चन अपलोड कर लेंगे, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।